हेलो दोस्तों, क्या आपके घर में किसी को हिप जॉइंट की प्रॉब्लम है या नेक फीमर का फ्रैक्चर हुआ है या कूल्हे की जोड़ की हड्डी टूट गई है और आपको कन्फ्यूजन है कि इसका ऑपरेशन होगा या पेशेंट को बेड रेस्ट से ही सही हो जाएगा? यदि हाँ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि कूल्हे के फ्रैक्चर के बारे में भी सर आप वीडियो बनाइए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो को हिप जॉइंट के फ्रैक्चर से परेशान रहते हैं। हिप जॉइंट का फ्रैक्चर दोस्तों ज़्यादातर 40 से और 80 साल की उम्र में देखा जाता है। ये एक ओल्ड एज का फ्रैक्चर है। जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कलाई का फ्रैक्चर है वो हमारे सॉफ्ट बोन हो जाने को बताता है, उसी प्रकार से हिप जॉइंट का फ्रैक्चर भी बताता है कि बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। हिप जॉइंट के फ्रैक्चर्स को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर और दूसरा है नेक फीमर फ्रैक्चर। अगर आपके ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हुआ है तो उसके अंदर आपको प्लेट लगाने की आवश्यकता होगी। हिप जॉइंट का फ्रैक्चर अपने आप जुड़ने वाला फ्रैक्चर नहीं है और इसके अंदर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती ही है। इसमें ऑपरेशन का फायदा ये होता है कि प्लेट लगा के पेशेंट अगले दिन से ही वॉकर की सहायता से चलना स्टार्ट हो जाता है। ओल्ड एज के पेशेंट को अगर अपन बहुत दिनों तक लिटा के रखते हैं और वो ऑपरेशन नहीं करवाते तो उसके बेड सोर हो सकते हैं, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है और कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। और आजकल के टाइम में घर पे केयर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टॉयलेट और इन सब चीज़ों के लिए पेशेंट को बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है। ऐसे में जैसे ही हिप जॉइंट के अंदर प्लेट लगाई जाती है, पेशेंट अगले दिन से ही वॉकर से चल सकता है, बेड पे करवट ले सकता है, कुर्सी पे बैठ सकता है और खाना इत्यादि खा सकता है, यानी काफ़ी हद तक वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। यानी हिप जॉइंट का फ्रैक्चर का अगर ऑपरेशन टाइमली किया जाए तो पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और उसकी फुल रिकवरी की जा सकती है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा होती है, 70, 80, 90 ईयर्स तक के पेशेंट्स होते हैं और उनको हिप बोन में फ्रैक्चर हो जाता है और जब वो एनेस्थीसिया के लिए जाते हैं तो उनकी फिटनेस अलाउ नहीं करती कि ऑपरेशन हो, तो ऐसी कंडीशन में बेड रेस्ट करा के उन्हें पैर पे ट्रैक्शन लगा के घर पे ही ट्रीट किया जाता है। ऐसे में जिन खास बातों का ध्यान रखना होता है वो ये कि पेशेंट की चेस्ट की फिजियोथेरेपी होती रहे ताकि उनके कफ इकट्ठा ना हो जाए, उन्हें वाटर बेड पे रखना पड़ता है ताकि उनके बेड सोर ना हो जाए और खाने पीने का भी थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना होता है। अगर बेड पे लिटा के रखा जाए तो भी काफ़ी सारे फ्रैक्चर अपने आप जुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें लंबा टाइम लग सकता है। ये टाइम 4 से 5 महीने का भी हो सकता है और इस दौरान पेशेंट को कंटिन्यूस एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही कम कंडीशन में जब हमें लगता है कि अब तो कोई चांस ही नहीं है और पेशेंट का ऑपरेशन करना हद से ज़्यादा रिस्की होगा, उसी कंडीशन में हम इस प्रकार से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। बाकी ज़्यादातर हमारी जो पहली अप्रोच है वो सर्जरी की ही रहती है। दोस्तों, सर्जरी के सभी केसेस में जो कि पेशेंट ओल्ड एज का होता है तो एनेस्थेटिक्स रिस्क तो रहता ही है। मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी आप इस प्रकार की सर्जरी करवाने जाएं तो अपने डॉक्टर से एनेस्थेटिक्स के रिस्क के बारे में पूरी बात कर सकते हैं कि क्या पेशेंट को आईसीयू लगेगा, क्या उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसके बारे में आप पहले से ही चर्चा कर लें तो आपकी काफ़ी सारी चिंता कम हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे नीचे लिखे गए नंबरों पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जब हिप जॉइंट का फ्रैक्चर का जब ऑपरेशन होता है तो हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस का भी ध्यान देते हैं कि जो पेशेंट को कैल्शियम की दवाइयां हैं वो रेगुलर देनी होती है, विटामिन डी रेगुलर देना होता है। साथ ही जो मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट है टेरिपेराटाइड हार्मोन, वो भी हम पेशेंट को रेगुलरली चालू करवा देते हैं। इस हार्मोन की सहायता से पेशेंट की बोन स्ट्रांग हो जाती है। ये तो बात थी इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर के बारे में, जबकि हिप जॉइंट का फ्रैक्चर थोड़ा नीचे से होता है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि पेशेंट की बॉल टूट जाती है, यानी कि जिसके कि नेक फीमर जिसे कहते हैं मेडिकल की भाषा में, वो फ्रैक्चर हो जाता है। अगर नेक फीमर फ्रैक्चर हो जाता है तो ज़्यादातर कंडीशन में अगर पेशेंट की एज 50 साल से ज़्यादा है तो हिप रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिया जाता है या बाइपोलर ऑपरेशन किया जाता है। इसमें बॉल को पूरा चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि जब नेक को बॉल को जोड़ने की कोशिश की जाती है तो 50 साल से ऊपर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं नहीं, तो इसलिए उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होने की वजह से बॉल चेंज करने का ऑपरेशन ही ज़्यादा अच्छा विकल्प होता है। बॉल चेंज करने का ऑपरेशन दोस्तों बाइपोलर प्रोस्थेसिस कहलाता है। बाइपोलर के बाद पेशेंट अगले दिन से चल सकता है, फिर सकता है, अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकता है। अगर पेशेंट की उम्र 50 साल से कम है और उसको नेक फीमर फ्रैक्चर हो जाता है तब हम बॉल चेंज ना करने के बजाय बॉल बचाने की कोशिश करते हैं। इसका तरीका ये है कि पेशेंट को 3 स्क्रूज के सहायता से हिप को फिक्स कर दिया जाता है, जिसे कि स्क्रू फिक्सेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती और काफ़ी सारे केसेस में फेल हो जाती है, लेकिन क्योंकि पेशेंट यंग है तो हमारा पहला प्रयास कभी भी बॉल चेंज करने का नहीं होता। हमेशा हम बॉल चेंज करने की बजाय स्क्रू से हेड को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर स्क्रू से फिक्स करने के पश्चात पेशेंट तुरंत वेट बियरिंग नहीं कर सकता, 4 से 6 हफ्ते उसे वॉकर की सहायता से ही करनी पड़ती है।
दोस्तों, नेक फीमर फ्रैक्चर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस की रेट काफ़ी हाई होती है। पहली बात तो ये फ्रैक्चर आसानी से जुड़ता नहीं है, और कई बार अगर यंग एज में जुड़ भी जाता है तो आगे जाकर इसमें AVN की प्रॉब्लम आती है, और जिसकी वजह से पेशेंट को THR भी करवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, AVN के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि अगर नेक फीमर फ्रैक्चर में AVN हो जाए तो किस प्रकार से उसका इलाज किया जाता है। ये थी एक संक्षिप्त में जानकारी हिप फ्रैक्चर, बॉल फ्रैक्चर और नेक फीमर फ्रैक्चर के बारे में। क्या आपके घर में भी किसी को इस किस्म की प्रॉब्लम हुई है? तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों।